Good morning students, welcome to TSN The School. Today we will read and understand class 2 English text chapter number 8 at the zoo. So let's start. Students, first of all, what is the meaning of zoo? Zoo, a park where many kinds of wild animals are kept so that people can look them. Meaning क्या हुआ हिंदी में? एक पार्क, ऐसा पार्क जहाँ पर कि बहुत ही तरह के डिफरेंट काइंड्स के आपके लिए एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स स्टूडेंट्स मोस्टली रखे जाते हैं कि जो इनको आप देख सकें, क्योंकि जो डोमेस्टिक होते हैं जिनको कि हम घर में पालते हैं उनको तो हम इजीली देख ही लेते हैं, बट जो वाइल्ड एनिमल्स हैं लाइक आप एलिफेंट है या लायन है, डियर है, ये सब हमें एक ही जगह पर दिखाई दे जाते हैं, तो वो कौन सा प्लेस होता है? वो होता है ज़ू. तो देखिए, आपको ये मैंने पिक्चर भी शो की हुई है इधर, तो दिखाई दे रहे हैं ना आपको डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, एलिफेंट, जिराफ, फॉक्स एट्सेट्रा, है ना. तो ज़ू में ये सभी पाए जाते हैं. ओके, एट द ज़ू, ज़ू के अंदर या ज़ू पर, चिड़ियाघर में. ठीक है, आपकी तरह एक गर्ल है, वो अपने फादर के साथ ज़ू विज़िट के लिए गई है, तो उसने वहाँ जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं. प्रीति एंड हर फादर वेंट इन टू द ज़ू. प्रीति और उसके फादर यानी कि उसके पापा चिड़ियाघर गए. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो टफ़ वर्ड्स हैं, न्यू हैं जो वर्ड्स, कुछ आपके लिए टफ होंगे, तो मैंने उनको अंडरलाइन करके साथ में उनका हिंदी मीनिंग भी राइट डाउन कर दिया, ताकि आप जब सेल्फ रीड करें तो उनको आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए. ओके, प्रीति लाइक मंकीज. प्रीति मंकीज को पसंद करती थी. मंकीज बंदर. सो दे वेंट टू द मंकीज केज फर्स्ट. इसलिए वो किसके केज के पास सबसे पहले गए? मंकी की, यानी कि बंदर के केज के पास सबसे पहले गए. केज मीन्स होता है पिंजरा. सम ऑफ द मंकीज वर ईटिंग पीनट्स. कुछ मंकीज जो थे पीनट्स खा रहे थे. पीनट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स मूँगफली, मूँगफली खा रहे थे. अदर मंकीज वर ईटिंग बनानास विच पीपल गेव दैम. और जो दूसरे मंकी थे वो बनाना इसको ईट कर रहे थे. बनाना मीन्स केला, केले खा रहे थे. कौन से बनाना? जो कि उन्हें लोगों ने दिए थे. लोग जो आते जाते हैं ना, वो कुछ फ्रूट्स वगैरह जो दे देते हैं, तो उन्हें बनानास दिए हैं, तो वो उन्हें ईट कर रहे हैं. प्रीति सेड. प्रीति बोलती है, पुअर मंकी, बेचारे मंकी. दे लुक अनहैप्पी. अनहैप्पी दुखी दिखाई देना, नाखुश, कि ये जो मंकी हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं. She read a notice near the cage. वह एक नोटिस पढ़ती है. नोटिस एक सूचना, जैसे आपके स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन आती है ना राइट डाउन करके, इसी तरीके से एक लिखी हुई एक नोटिस है वहाँ पर, पिंजरे के जो केज है मीन्स पिंजरा है उसके नज़दीक में. इट रीड, वो पढ़ती है, डोंट टीज द मंकीज, की मंकीज को मत परेशान करो, मत छेड़ो या चिढ़ाओ मत. टीज मीन्स छेड़ना या चिढ़ाना. आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं, जब जूस आप भी गए होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स तो जो जाते हैं वो लोग उनकी तरफ एक्ट करते हैं, उन्हें टीज करते हैं, स्टिक से मारते हैं, कोई स्टोन्स ले लेते हैं, पेबल्स होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर, उनसे करते हैं उन्हें चिढ़ाने का, उन्हें परेशान करते हैं. तो एक तो वैसे ही वो केज में बंद रहते हैं, क्योंकि ये तो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगल में रहना पसंद करते हैं सभी, है ना, और ऊपर से इनको केज में बंद कर दिया गया और फिर उन्हें परेशान करते हैं, तो ये अनहैप्पी हो जाते हैं, थोड़ा वाइल्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको परेशान मत करो मंकीज़ को, ये नोटिस लगा हुआ है. देन दे वेंट टू द लायंस केज. और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? शेर के पिंजरे के पास जाते हैं. द लायन हैड अ सॉफ्ट एंड ब्राउन फर. लायन के जो थे सॉफ्ट और ब्राउन फर थे. फर क्या होता है स्टूडेंट्स? एनिमल्स होते हैं जो बहुत से, उनके ऊपर जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उनके, वो कहलाते हैं फर. ये इनको जो फर होते हैं इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जब बहुत तेज़ ठंड होती है ना, और ये क्योंकि हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ पर ठंड तेज़ होती है, जहाँ पर स्नो गिरती है वहाँ भी पाए जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स, तो उनकी उस ठंड से या उस स्नो से जो प्रोटेक्शन के लिए जो बॉडी पे फर होते हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, ओह वॉट अ माइटी एनिमल. ओह कितना शक्तिशाली जानवर है. माइटी मीन्स पावरफुल, शक्तिशाली. सेड प्रीति. प्रीति कहती है, बट द लायन लुक्स अनहैप्पी इन द केज. लेकिन जो लायन है वो
पिंजरे में अनहैप्पी दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या है? सेम ही रीज़न है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है ये भी, और वाइल्ड एनिमल्स को क्या है, फ्रीडम पसंद होती है अपनी, और इनको केज में कर दिया गया है पैक, तो इन्हें अनहैप्पी अनईजी तो फील होगा ही ना, इसलिए अनहैप्पी लग रहे हैं उसे। वो बोलती है मे बी ही लव्स द फॉरेस्ट एंड हिज फ्रीडम, शायद, मे बी मीन्स शायद, इनको जंगल पसंद है और अपनी फ्रीडम यानी कि आज़ादी पसंद है। दे सॉ मैनी अदर एनिमल्स, वे और भी बहुत सारे जानवर देखते हैं, जू में तो बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं ना, तो वो बहुत सारे देखते हैं। दे सॉ एन एलिफेंट, वो एक एलिफेंट भी देखते हैं वहाँ पर एक एलिफेंट भी था। देयर वर मैनी डियर्स एंड डक्स, और वहाँ पर बहुत सारे डियर्स मीन्स हिरण भी थे, और डक्स आप सब जानते हैं बतख है ना, बतख भी थी, हिरण भी थे। दे ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स, वे वहाँ पर क्या देखते हैं, क्रोकोडाइल को भी देखते हैं। क्रोकोडाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? मगरमच्छ, ये एक रेप्टाइल होता है यानी कि जो रेंग के चलते हैं ना, वो एनिमल इंसेक्ट रेप्टाइल होते हैं रेंग कर चलने वाले, तो क्रोकोडाइल होता है। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ उसकी, लुक इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स। ये ऑन द वाटर इन द वाटर बोथ साइड रह सकता है ये, देखिए थोड़ा डेंजरस सा होता है ये है ना, बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा, और आप जब अपने टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें आपने जू भी देखा होगा, स्टोरीज आती हैं जब आपकी कार्टून्स वगैरह, उनमें देखा होगा क्रोकोडाइल को आप लोगों ने, और बहुत से ने तो जू में भी देखा होगा, गए होंगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है क्रोकोडाइल। ओके, दे सॉ मैनी बर्ड्स, उन्होंने वहाँ बहुत से बर्ड्स भी देखे, बर्ड्स के देखिए पिक्चर्स भी दिखा रखी ना आपको इसमें, स्पैरो भी हैं, पैरट्स भी हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे इन्होंने बर्ड्स यानी पक्षी भी देखे। देयर वर मैनी चिंपैंजीज, वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज भी थे। चिंपैंजीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अफ्रीकन ऐप होता है कि ऐप यानी कि वन मानुष, अफ्रीका में जो पाए जाते हैं लंगूर वो वाले होते हैं, उन्हें हम चिंपैंजी बोलते हैं। देखिए इस तरीके का लुक, ओके, ये होता है चिंपैंजी। देन दे वेंट होम, और बाद में वो कहाँ आ गए, अपने घर आ गए। प्रीतीज आंट सेड, प्रीति की आंट ने बोला या कहा उसे, डिड यू लाइक द जू, क्या तुम्हें जू पसंद आया? वो जब घूम गई तो उससे पूछा उसके बारे में। यस, हाँ आंटी, आई लाइक इट वेरी मच, हाँ आंटी मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। शीला सेड, और उसने कहा, आई ऑल्सो लाइक द एनिमल्स ओवर देयर, और मुझे वहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे वो भी अच्छे लगे। तो स्टूडेंट्स, उसने अपने जो एक्सपीरियंस था आपके साथ शेयर किया और बताया कि किस तरीके से उसने एनिमल्स को देखा और उसे कैसा फील हुआ। ओके, तो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स टाइम। फर्स्ट है जू, जू मीन्स चिड़िया घर, मंकी बंदर, केज मीन्स पिंजरा, अनहैप्पी दुखी होना या नाखुश होना, बनाना केला, फर आपको मैंने बताया था, सॉफ्ट हेयर्स ऑफ सम एनिमल्स कि किसी भी जानवर के कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, मुलायम बाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर कहते हैं। माइटी पावरफुल यानी शक्तिशाली, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, चिंपैंजी लार्ज अफ्रीकन एप यानी कि बड़ा अफ्रीकन जो बंदर होता है, वन मानुष जिसे बोलते हैं, वो कहलाता है चिंपैंजी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस, उसमें नंबर वन, वेयर डिड प्रीति एंड हर फादर वेंट, ऑप्शन ए पार्क, बी म्यूजियम, सी जू। राइट आंसर इज सी जू। सेकेंड, वॉट काइंड ऑफ फर डज लायन हैव, ए सॉफ्ट एंड ब्राउन, बी वाइट, सी हार्ड एंड ब्राउन। राइट आंसर इज ए सॉफ्ट एंड ब्राउन। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ वर द पुअर मंकीज लुक, ऑप्शन ए हैप्पी, बी चीयरफुल, सी अनहैप्पी। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी अनहैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपको जब आपकी पीडीएफ सेंड की जाएगी जिसमें कि आपके डिफिकल्ट वर्ड्स भी होंगे, ये एमसीक्यूज हैं, इनके भी राइट आंसर्स मिलेंगे आपको, तो इसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी
राइट डाउन किए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। स्टूडेंट्स, ये आप सेल्फ करने के लिए ट्राई कीजिएगा ताकि आप भी देखेंगे आपका सेल्फ इवोल्यूशन हो जाएगा एक तरीके से कि भाई आपने कितना चैप्टर समझ आया। ओके, फर्स्ट है आपका देयर वर मैनी फिशेज इन द जू, कि वहाँ पर बहुत सारी फिशेज भी थी जू के अंदर, तो ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। ओके, साइड में आपको स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर अगर आपको सेंटेंस राइट लगता है तो ट्रू राइट डाउन करेंगे और फॉल्स लगता है तो फॉल्स ही राइट डाउन करेंगे। नाउ सेकंड, मंकीज वर ईटिंग बनानास एंड पीनट, मंकीज जो है पीनट्स और बनानास को ईट कर रहे थे। थर्ड, लाइन इज अ माइटी एनिमल, लाइन एक माइटी एनिमल है। फोर्थ, प्रीति डिड नॉट लाइक द एनिमल्स इन द जू, प्रीति को जो एनिमल्स से जू में वो पसंद नहीं आए, वो पसंद नहीं करती है उन्हें। तो आपको जिन अगर ट्रू लगता है तो ट्रू यानी कि सही है और फॉल्स यानी गलत लगता है तो फॉल्स राइट डाउन करेंगे। ठीक है, बाकी के इसके जो आंसर्स हैं सभी के ट्रू फॉल्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके MCQs हैं डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये सब आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे वीडियो के बाद ही, तो आप उसमें आप मैच कर लीजिएगा। अगर आपकी मिस्टेक है तो करेक्शन कर लीजिएगा, बट करना सभी को है स्टूडेंट्स। और ये वर्क आपको अपनी नोटबुक इंग्लिश की जो नोटबुक है स्कूल की उसमें ही आपको करना है। ओके, साथ साथ लर्न भी करना है, तो आप इस चैप्टर को सेल्फ भी रीड कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।